आज मैं बनाऊंगी बच्चों की मनपसंद हेल्दी टेस्टी ग्लूटन फ्री पिज्ज़ा, जिनको मैदा गेहूं बिल्कुल भी सूट नहीं करता। यह रेसिपी हम उनके लिए भी लेकर आए हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्या पता इसे बनाने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो चलिए देर किस बात की है, बहुत ही कम सामग्री से सिंपल तरीके से बने ग्लूटन फ्री पिज्जे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ग्लूटन फ्री बाजार जैसा पिज्जा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ज्वार का आटा। 1 कप ज्वार का आटा लेना है। ज्वार के आटे को स्किप करके कोई सा भी ग्लूटन फ्री आटा ले सकते हैं। कप की लेवल में आटा लेना है। वजन में यह 120 से 125 ग्राम रहेगा। इसके बाद लेना है राजगिरा आटा, इसको चौलाई का आटा भी कहा जाता है। 1 कप राजगिरा आटा लेना है। वजन में 120 से 125 ग्राम रहेगा। चौलाई यानी कि राजगिरे के आटे में हल्की सी चिपचिपाट होती है, ज्वार के आटे में बिल्कुल भी चिपचिपाट नहीं रहती। ज्वार के आटे को बाइंडिंग देने का काम करेगा। राजगिरे के आटे को कप की लेवल में लेते हुए इसको भी डाल देना है छलनी में। पिज्जा बेस में क्रिस्पीनेस लाने के लिए 1/4 कप लेनी है बारीक सूजी। आधा बड़ा चम्मच चीनी या फिर चीनी का पाउडर लेना है। आधी छोटी चम्मच नमक, जिनको मैदा गेहूं का आटा बिल्कुल भी सूट नहीं करता वे इस रेसिपी से ग्लूटन फ्री पिज्जा आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैदा से बने पिज्जे की तरह यह पिज्जा भी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आटे को मिक्स करते हुए इसके बीचों बीच सेंटर में एक छोटा सा गड्ढा बना देना है। गड्ढा बना करके इसमें डाले जाएंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो पिज्जा बेस को बनाएंगे एकदम बाजार जैसा। आटे को जालीदार बनाने के लिए लेना है इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, 1 छोटी चम्मच यीस्ट लेना है। इसके बाद लेना है बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और यीस्ट बहुत ज़्यादा पुराने समय के रखे हुए नहीं होने चाहिए। यीस्ट और बेकिंग पाउडर कोई से भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद लेना है गुनगुना पानी। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि उंगली पर लगना चाहिए। 1 कप पानी लिया, सारा पानी एक साथ नहीं डालना। आधा कप के करीब गुनगुना पानी यीस्ट और बेकिंग पाउडर के ऊपर डालते हुए इन सबको करना है आपस में मिक्स। आपने देखा ही होगा, जैसे ही बेकिंग पाउडर के ऊपर गर्म पानी डाला, बेकिंग पाउडर एकदम झागदार हो गया था। हल्का सा मिक्स करने के बाद बचे हुए पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसका मुलायम आटा गूंथ कर तैयार करना है। मुलायम आटा गूंथने के बाद तब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे इसमें कुल मिला करके कितना पानी लगा। बस इस बात का ध्यान रखना, सारा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और इसका मुलायम आटा गूंथते जाना है। रोटी के आटे जैसा मुलायम आटा गूंथ कर तैयार करना है। ग्लूटन फ्री पिज्जा जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता, इसको बिना सोचे समझे आप इसको एक बार नहीं बार बार बना सकते हैं। मुलायम आटा गूंथ कर तैयार हो गया है। इसे गूंथने में 1 कप और 2 से 3 बड़े चम्मच पानी लगा था। आटा मुलायम गूंथा है, पानी कम या ज़्यादा लग सकता है, आटे आटे पर डिपेंड करता है। बेकिंग पाउडर और यीस्ट आटे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, आटे में अच्छी सी फुलावट आ जाए, इसलिए आटे को 15 से 20 बार ऊपर को उठाते हुए पटकी देनी है। स्ट्रीट जैसी जगह पर आपने इस स्टेप को फॉलो करते हुए देखा होगा। इस तरीके से करने से आटा जल्दी लचीला हो जाता है। आटे को 15 से 20 बार पटकी देने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ग्लूटन फ्री आटे को खिला दिए अच्छी तरीके से पटकी। अब इसको करना है चिकना। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल करके इसको चारों तरफ से चिकना करना है। जब आटे को पटका जाता है तो यह हाथों पर चिपकता है, क्योंकि इसमें चौलाई का आटा मिलाया गया है। चौलाई का आटा जो बाइंडिंग देने का काम करेगा और बेस बनाने में आसानी होगी। ग्लूटन फ्री आटा चारों तरफ से चिकना हो गया है। आटे को फुलाने के लिए इसको रख देना है दूसरे बाउल में। बाउल में रख करके इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए रखकर छोड़ देना है। आटा जितना ज़्यादा समय के लिए रखा जाएगा, पिज्जा बेस उतना ही बढ़िया बनकर तैयार होएगा। आटे में हवा पास ना हो, आटा जल्दी फूल जाए, इसलिए इसको करना है क्लिंग रैप। क्लिंग रैप की जगह फॉइल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। गर्मी में 1.5 से 2 घंटे और सर्दी में 3 से 4 घंटे के लिए रखकर छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखना, आटे को जितने ज़्यादा समय के लिए रखकर छोड़ोगे, आटे में उतनी अच्छी जालियाँ बनकर आएंगी। जाली अच्छी बनकर आएगी तो पिज्जा बेस भी एकदम बाजार जैसा बनकर तैयार होएगा। क्लिंग रैप करके आप इसको बंद माइक्रोवेव में या फिर अलमारी में रख सकते हैं, जिससे कि इसको गर्माई मिले। आटे को रखे हुए 1.5 से 2 घंटे हो गए, आटे में अच्छी फुलावट बनकर आ गई है। आप इसका क्लिंग रैप दे सकते हैं। क्लिंग रैप ऊपर को फूल गया है। आटे के अच्छे से फूल जाने के बाद ही इसको बाउल में से निकालना है। बेकिंग पाउडर और यीस्ट ने बहुत ही अच्छा काम करा है। आटा फूल का डबल हो गया और जालीदार बना है। आटे के फ्लफी हो जाने के बाद इसमें जितनी भी हवा भर गई है उस हवा को निकाल देना है। इससे आप 2 मीडियम साइज के पिज्जा या फिर 1 लार्ज साइज का पिज्जा बना सकते हैं। इसका बेस बनाने से पहले इसके ऊपर नीचे चारों तरफ लगाना है ज्वार का आटा। चारों तरफ आटा लगाने के लिए आटा कोई सा भी ले सकते हैं। लार्ज साइज का पिज्जा बनाने के लिए किनारों वाली बड़े साइज की थाली लेनी है। इसके ऊपर लगा देना है फॉइल पेपर।
फॉइल पेपर लगाने से पिज्जा बेस नीचे की साइड से जलेगा नहीं। इसके ऊपर भी चारों तरफ को थोड़ा थोड़ा आटा छिड़क देना है। अब इसके ऊपर आटे को मोटी रोटी के जैसा फैला देना है। पहले इसको हाथों से फैलाना है जिससे कि चारों तरफ से एक सार हो जाए। हल्का हल्का हाथों से फैलाने के बाद इसको बेलन से बेलना है। पिज्जा बेस को पिज्जा की जाली पर भी बना सकते हैं। मोटी रोटी जितना इसको फैला दिया है इसको ढक करके आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। यह फिर से फूलेगा और ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा। इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है, रोटी और भी ज़्यादा मोटी हो गई है, इसमें अच्छी फुलावट बनकर आई है। अब इसको करना है बेक। बेक करने के लिए सबसे पहले इसमें चारों तरफ थोड़े थोड़े करने हैं छेद। बेक इसको गैस पर या फिर ओवन में किसी में भी कर सकते हैं। ओवन में बेक करने के लिए ओवन को 10 मिनट के लिए 200 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रख देना है। कढ़ाई में बेक करने के लिए कढ़ाई के अंदर स्टैंड रखकर कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखना है। सब जगह थोड़े थोड़े छेद करने के बाद इसके ऊपर लगाना है बटर, पिघला हुआ बटर या घी कुछ भी लगा सकते हैं। बड़े साइज के ओवन में 200 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है। छोटे साइज के ओवन में 180 डिग्री पर ऐसे ही कढ़ाई में लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करना है। बटर चारों तरफ अच्छे तरीके से लग गया है। ओवन की दोनों ग्रिल ऑन करते हुए 20 से 25 मिनट इसको बेक करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। बेस के बेक हो जाने तक बेस के ऊपर टॉपिंग करने के लिए सब्जी को कट कर लेना है। यहाँ पर ले सकते हैं लाल पीली हरी शिमला मिर्च या फिर एक रंग की शिमला मिर्च। टमाटर ले सकते हैं, टमाटर और शिमला मिर्च के बीज निकाल देने। इसके साथ साथ ले सकते हैं प्याज। प्याज खाना पसंद नहीं करते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर लिया, पनीर के भी छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। टॉपिंग के लिए सब्जी कोई सी भी ले सकते हैं। जितने सब्जियों को कट करूंगी इतने पिज्जा बेस भी अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। थोड़ी देर में ही पिज्जा बेस भी अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। इसको बेक होने में 25 मिनट का समय लगा था। गरम गरम बेस के ऊपर डालनी है पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस घर की बनी हुई या फिर बाजार की कोई सी भी ले सकते हैं। घर पर पिज्जा सॉस कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिज्जा सॉस इसके ऊपर डाल करके पिज्जा सॉस को फैलाना है चारों तरफ। प्रोसेस चीज को कद्दूकस करके इसके ऊपर चारों तरफ डालना है। प्रोसेस चीज कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद लेनी है डाइस्ड मोजरेला चीज। प्रोसेस और मोजरेला चीज कोई सी भी ब्रांड की ले सकते हैं। डाइस्ड मोजरेला चीज को प्रोसेस चीज के ऊपर डालना है। टॉपिंग करने के लिए प्रोसेस और मोजरेला दोनों ले सकते हो या फिर इसमें से एक को स्किप कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी चारों तरफ मोजरेला चीज डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी कटी हुई सब्जियाँ। कटी सब्जियों में सबसे पहले मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ कटी हुई शिमला मिर्च, फिर उसके बाद टमाटर के टुकड़े। प्रोसेस और मोजरेला चीज को स्किप करके चीज स्लाइस आते हैं उसको भी यूज कर सकते हैं या फिर चीज स्प्रेड भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर डालनी है कटी हुई प्याज। हेल्दी पिज्जा बनाने के लिए सब्जियां इसके ऊपर कितनी भी डाल सकते हैं। जितनी ज्यादा सब्जी रहेगी पिज्जा भी उतना ही ज्यादा हेल्दी बनेगा। थोड़े से इसके ऊपर डाल रही हूँ उबले हुए स्वीट कॉर्न। उबले हुए स्वीट कॉर्न, मशरूम कुछ भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर डालने हैं थोड़े से पनीर के टुकड़े। ये देखिए पिज्जा को हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर कितनी सारी सब्जियां डाली हैं। जितनी ज़्यादा सब्जी के साथ टॉपिंग करोगे टेस्ट उतना ही अच्छा बनकर आएगा। सब्जियों के बाद इसके ऊपर ब्लैक या ग्रीन ओलिव्स, जैलोपैनो या फिर रेड पेपरिका से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। इन सबको आप स्किप कर सकते हैं। गार्निशिंग करने से पिज्जा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। सुंदर सी गार्निशिंग करके एक दो बड़े चम्मच इसके ऊपर डाल सकते हैं डाइस्ड मोजरेला चीज। ऊपर से चीज डालना ऑप्शनल में, इसको स्किप कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसके ऊपर छिड़कना है पिज्जा सीजनिंग और साथ साथ इसके ऊपर छिड़कना है चिली फ्लेक्स। बस यहाँ पर हमारा पिज्जा रेडी है। अब इसको करना है बेक। गरम ओवन में इसको चीज के पिघल जाने तक यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए इसको बेक करना है। कढ़ाई में 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर बेक करना है। ये देखिए हेल्दी टेस्टी ग्लूटेन फ्री पिज्जा हो गया है बेक। मस्त मस्त पिज्जा बना है। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। गरम गरम पिज्जा की होगी कटिंग। कटिंग हो जाने के बाद आप इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा टेक्सचर बनकर आया है। हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। फटाफट से रेसिपी को देखकर पिज्जा बना डालिएगा। मैं गारंटी से कहती हूँ ग्लूटेन फ्री हेल्दी पिज्जा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। आपको ग्लूटेन फ्री हेल्दी टेस्टी पिज्जा देखने में कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं करूँगी इसको टेस्ट। हेल्दी पिज्जा टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करने वाली हूँ। दिल करे तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, दिल के ऊपर है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपका दिल चाहता है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ग्लूटेन फ्री हेल्दी टेस्टी पिज्जा रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंपल तरीके से बनी एक और हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।